सहायक परियोजना अधिकारी हुकुम चंद गौतम ने बताया कि कैंप में डॉक्टरों द्वारा दिव्यांग छात्रों का मेडिकल परीक्षण किया गया है। मेडिकल परीक्षण के बाद में दिव्यांगों को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए गए। सर्टिफिकेट के आधार पर दिव्यांगों को निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सहायक उपकरणों में ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, हेयरनिंग, मैजिक स्टिक आदि शामिल हैं। इसके अलावा दिव्यांगों के बस और ट्रेन के पास बनाए गए हैं। छात्रों को उनकी जरूरत के सामान सहायक उपकरणों की सलाह प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि समाज विभाग की तरफ से दिव्यांगों की पेंशन भी बनाई गई है और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है। हमारे पास जो आज की इन्वॉल्वमेंट है वो 120 से ऊपर हो चुकी है और इसमें जो आज अभी हमने मैंने आंकड़े लिए हैं उसमें 24 बच्चों को एड एंड अप्लाइंस के लिए अब तक नॉमिनेट मतलब उनको चिन्हित किया गया है। और इसके अलावा जो 17 तारीख को पहले दिन का हमारा कैंप लगा था उसमें 25 बच्चे चिन्हित किए गए थे। 20 तारीख को दूसरा कैंप हथिन ब्लॉक का था उसमें 26 बच्चे और 21 तारीख को पलवल ब्लॉक का जो कैंप था उसमें 40 बच्चों को चिन्हित किया गया था। तो इस तरह से अब तक 115 बच्चे अब तक चिन्हित किए जा चुके हैं जिनको एलिम्को कंपनी की तरफ से एड एंड अप्लायंसेज वो दिए जाएंगे जिनमें मुख्य रूप से व्हील चेयर, ट्राई साइकिल, जूते, जो विशेष प्रकार के जिनके बच्चों के अंग छोटे होते हैं उनके लिए। ये पेड होंगे या फ्री होंगे? ये फ्री होंगे सारा। इसमें ये जो घोड़ल विधानसभा के लिए लगाया गया है इसमें घोड़ल के बच्चे आए हुए हैं। 14 से 15 साल के बच्चों को मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत इनको व्हील चेयर वगैरह जो भी फैसिलिटी होती है बच्चों के लिए वो दी जाएगी। तो ये आज कितना चौथा कैंप है? ये तीसरा कैंप है। तीसरा कैंप है पलवल, होडल और पलवा, तीनों कैंप लगाए गए। तो कितने पेशेंट बच्चे देखे गए हैं आप यहाँ पर, चेकअप किया बच्चों का? 150 के लगभग बच्चे, पिछले कल परसों जो कैंप लगा था उसमें 150 बच्चे थे और आज जो कैंप लगाया लगभग 100-150 के करीब आज भी बच्चे।